Have you told this class we will discuss question answers? देखिए, तो हमारा पार्ट का नाम क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। ओके, देखिए एक और बार देखिए, हमने लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देखा, एक और बार देखिए। कुछ मीनिंग्स देगा सबसे पहले, राइट? कुछ शब्दार्थ देगा। चर्च, सदी, युग, कई सौ वर्ष, पलाश, एक फूल का नाम, समाया, मौजूद, अजान, नमाज की सूचना। क्या है गिरजाघर, क्या है इसका मीनिंग? चर्च हमारा अंग्रेजी का चर्च है। और सदी माने सेंचुरी, सौ वर्ष सेंचुरी है। और युग माने 100 पलाश, एक फूल का नाम है पलाश, फ्लावर का नेम है पलाश। देन समाया माने क्या है? प्रेजेंट, प्रेजेंट समाया मौजूद। अजान नमाज की सूचना है, एक तरह का प्रेयर हमारा रिलीजियस, मुस्लिम रिलीजियन का एक तरह का प्रेयर। देन हमने देखा कुछ विलोम शब्द, हमने देखा सर्दी, गर्मी, दिन, रात, सुंदर, कुरु, मुस्कुराना, रोना, समझ, ना समझ, इस प्रकार कुछ विलोम शब्द हमने देखा। आफ्टर दैट क्या है, आपने क्या है कुछ विशेषण शब्द जोड़कर, क्या क्या विशेषण शब्द हमने देखा? खाली के लिए, खाली के लिए, छोटी खाली, छोटी खाली, देन खूबसूरत खाली, देन तेज हवा। ओके, द सेकंड वन, हवा के लिए ठंडी हवा, ठंडी हवा, शुद्ध हवा, देन गर्म हवा, गर्म हवा, इस प्रकार। देन हवा झरना के लिए मैंने एक झरना, एक प्रॉपर वन, एक करेक्ट वन मैंने बताया झरना के लिए, बहती झरना, वेरी गुड, बहती झरना। देन द फोर्थ वन, तितली के लिए सुंदर तितली, सुंदर तितली, खूबसूरत तितली, छोटे तितली, रंग बिरंगी तितली, एंड तो इस प्रकार निम्न शब्दों के लिए अपने मन से विशेषण लिखे। द क्वेश्चन इज अपने मन से विशेषण लिखे। विशेषण माने क्या है, क्या है इसका अंग्रेजी शब्द विशेषण का? एडजेक्टिव। नेक्स्ट हमने देखा कविता में सौंदर्य लाने के लिए एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग होता है, उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा था। Can you mute your audio? I can hear some sounds from where, I don't know. Okay. कविता में सौंदर्य लाने के लिए एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग होता है, उसे हम पुनरुक्ति प्रकाश कहते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था पुनरुक्ति प्रकाश आपके लिए अलंकार, अलंकार माने अलंकार किसके लिए, अलंकार मैंने कहा था ना, कविता को कुछ ब्यूटी देने के लिए, कुछ सौंदर्य देने के लिए अलंकारों का प्रयोग है, कहा कविता में। तो इस प्रकार हमारे सेवन स्टैंडर्ड में हमारे लिए एक अलंकार है, क्या है अलंकार? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यस, क्या है पुनरुक्ति प्रकाश का क्या मीनिंग है? पुनरुक्ति माने क्या है? रिपीटिंग। यस, हमारा कविता में एक उदाहरण है, क्या है? कर्ण कर्ण। हमारा कविता में, हमारे कविता में एक उदाहरण है, वो है कर्ण कर्ण। इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण हमने यहाँ नोट किया है। वन इज युग युग, पल पल, धीरे धीरे, इस प्रकार क्या है एग्जाम्पल देखना चाहिए। तो आप हमारा टेक्स्ट बुक में देखना चाहिए पुनरुक्ति प्रकाश के लिए कितना उदाहरण, धीरे धीरे एंड और पुनरुक्ति प्रकाश, सेम वर्ड रिपीटेशन, वो है अलग अलग,
ओके अलग अलग एंड ओके देन हमने देखा लास्ट क्लास में छोटे से बड़े क्रम में लिखना देन बड़े से छोटे क्रम में लिखना सदी पल दिन युग सदी माने सेंचुरी है पल माने मोमेंट है एक सेकेंड एक मोमेंट देन दिन माने डे एंड युग माने मेनी हंड्रेड इयर्स टुगेदर वी आर टेलिंग युग तो ये छोटे से बड़े है तो पल दिन सदी युग बड़े से छोटे है तो युग सदी सदी दिन पल देन हमने कविता में हमने कुछ फूलों के नाम भी हमने देखा क्या क्या है वो फूल वनस चंपा चमेली गुलाब चंपा चमेली गुलाब चंपा चमेली गुलाब और पलाश मन में रखिए ओके क्या क्या फूलों का नाम फूल हमने देखा वो मन में रखिए कविता में किन चार फूलों के नाम है लिखिए उत्तर चंपा चमेली गुलाब विल हैव टू राइट नो नीड नो नीड नोट्स एंड आई विल सेंड देखिए मे बी आपका एग्जाम है एमसीक्यू एग्जाम है क्वेश्चन लास्ट अहम ब्रह्मास्मि कविता में कितने फूलों के बारे में कितने फूलों के नाम चार हाँ तो कितने हैं चार चार ओके तो मन में रखिए हमारे इस चैप्टर में पर्यायवाची नदी मैम इस गौरी टू माउस पॉइंटर्स आर देयर टू यस मैम देयर वन स्टिल ओके देखिए हमारा पहला क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर में पर्यायवाची नहीं है ओके नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज आपके अनुसार हमारा कविता वेरी सिंपल है क्वेश्चन आंसर आल्सो वेरी वेरी सिंपल ओके टू क्वेश्चन आंसर आपका टेक्स्ट बुक नोटबुक में लिखना चाहिए नोटबुक मीन्स हमारा आपका रफ बुक में लिखना चाहिए आई मीन राइट हैंड साइड ओनली टू क्वेश्चन आंसर बाकी ऑल वेरी इजी ओके फर्स्ट क्वेश्चन इज आपके अनुसार प्रकृति की और इन सब की रचना कैसी हुई आपके अनुसार आपका मत है आपका व्यू आपके अनुसार हमारे प्रकृति या हमारा नेचर की और इन सब की हमारे ये फुल सबकी रचना रचना माने क्या है बच्चों शेप कलर शेप नॉट शेप रचना ये रचना माने प्रोडक्शन प्रोडक्शन रचना मेकिंग कैसे हुई प्रकृति की इन सब की रचना किसने की है ईश्वर ने द आंसर इज वेरी इजी प्रकृति की और इन सब की रचना ईश्वर ने की है वेरी इजी क्वेश्चन ओके देन द सेकंड क्वेश्चन आदमी ने ईश्वर की आराधना के लिए कौन कौन सी जगहें बनाई है आदमी ने या हमारा पीपल ह्यूमन बींग दे ईश्वर की आराधना के लिए हम ईश्वर को की आराधना के लिए कौन कौन सी जगह है क्या है जगह स्पेस प्लेस प्लेसेस बनाई है क्या ईश्वर वहीं तक सीमित है सीमित माने क्या है स्टॉप्ड लिमिटेड क्या ईश्वर वहीं तक सीमित है अपने शब्दों में लिखे क्वेश्चन वन मोर टाइम आदमी ने ईश्वर की आराधना के लिए कौन कौन सी जगहें बनाई पीपल ने हमारे ईश्वर को प्रेयर करने के लिए ईश्वर की आराधना के लिए कौन कौन सी प्लेसेस बनाई है क्या ईश्वर वहीं तक सीमित है क्या ईश्वर ओनली हमारा वो टेम्पल या मस्जिद में है इस प्रकार है क्वेश्चन अपने शब्दों में लिखे इट्स योर ओन वर्ड्स में यू कैन राइट ओके देखो आंसर देखिए बच्चों आदमी ने ईश्वर की आराधना के लिए गिरिजाघर माने चर्च मंदिर टेम्पल और मस्जिद मॉस्क बनाई है द आंसर इज फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट वन ओके आदमी ने ईश्वर की आराधना के लिए गिरिजाघर गिरिजाघर माने क्या है बच्चों चर्च चर्च मंदिर मंदिर माने टेम्पल एंड मस्जिद मॉस्क बनाई है लेकिन ईश्वर वहां तक सीमित नहीं है राइट
ईश्वर सर्वव्यापी है क्या? सर्वव्यापी एवरीवेयर, लेकिन ईश्वर वहां तक सीमित नहीं है। हमारा ईश्वर क्या है? वो टेम्पल और मस्जिद और चर्च में है, मे बी वहां होगा, लेकिन वहां तक लिमिटेड नहीं है। हमारा ईश्वर सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मीन्स एवरीवेयर, ईच एंड एवरीवेयर, एवरी थिंग्स में भी ईश्वर की वो प्रेजेंट है। ठीक है, एक और बार देखा सेकेंड क्वेश्चन। आदमी ने ईश्वर की आराधना के लिए कौन कौन सी जगहें बनाई? क्या ईश्वर वहीं तक सीमित है? अपने शब्दों में लिखिए। आदमी ने ईश्वर की आराधना के लिए गिरजाघर, मंदिर या मस्जिद बनाई है, लेकिन ईश्वर वहां तक सीमित नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापी है। तो पहला क्वेश्चन, आपके अनुसार प्रकृति की इन सब की रचना कैसी हुई? प्रकृति की या हमारा नेचर की रचना और हमारा ये पूरे वर्ल्ड की रचना किसने की है? ईश्वर, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, ईश्वर की आराधना के लिए हम पीपल आदमी ने क्या के कौन कौन सी जगहें बनाई है? मंदिर, टेम्पल, चर्च एंड मॉस्क। लेकिन ईश्वर वहां तक लिमिटेड नहीं है, ईश्वर एवरीवेयर है, सर्वव्यापी। सेकंड क्वेश्चन इज वेरी मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज, ईश्वर का दर्शन कब मिलते हैं? हमने कविता में हमने देखा ईश्वर का दर्शन कब मिलते हैं? मन की आंखों से, मन में झूठे तो ईश्वर का दर्शन मिलता है। मन की आंखों से क्या है? मन की आंखों, आईज ऑफ माइंड। मन की आंखों से, मन में चूंटे, चूंटना माने सर्च करना, मन में सर्च करना, मन माने माइंड, मन में चूंटे तो ईश्वर का दर्शन मिलता है। तो ईश्वर को देखने के लिए चर्च, टेम्पल या मॉस्क नहीं जाना चाहिए, कहाँ सर्च करना चाहिए? हमारे इन अवर माइंड, हमारे मन में। ईश्वर को देखने के लिए हमारा मन में सर्च करना चाहिए, गिरजाघर या मंदिर या मस्जिद की ओर नहीं जाना। थर्ड क्वेश्चन वेरी सिंपल बच्चों, ईश्वर का दर्शन कब मिलते हैं और कहाँ हमको ईश्वर को देख सकते? मन की आंखों से, मन में टूटे तो ईश्वर का दर्शन मिलता है। ओके, मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी। हमारा कविता का टू लाइंस है, कली में, हवा में, झरने में, नदी में, पल में, दिन में, युग में, सदी में, से क्या अभिप्राय है? से क्या अभिप्राय में क्या मतलब है? ओके, वो टू लाइंस का क्या मीनिंग है? Ma'am, everywhere in that places and all, Ishwar is there. Only that. Kali me, hawa me, jarne me, nadi me, pal me, din me, yug me, sati me. Then one hyphen is there. Say, kya abhipraya hai? Means, these two lines ka kya meaning hai? Kya matlab hai? Answer dekhi mujhe. Kali me, hawa me, jarne me, nadi me, पल में, दिन में, युग में, सती में कौन है बच्चों? ईश्वर है। जैसे कल मतलब यह है कि प्रकृति के कण कण में ईश्वर समाया है। इस प्रकार आंसर लिखना चाहिए। द मेन सेंटेंस मतलब यह है कि प्रकृति के कण कण में, कण कण माने ईच एंड एवरी कॉर्नर में ईश्वर समाया है। क्या है समाया? ईश्वर का प्रेजेंट है। तो एक और बार देखिए थर्ड क्वेश्चन, ईश्वर का दर्शन कब मिलते हैं? मन की आंखों से, मन में झूठे तो ईश्वर का दर्शन मिलते हैं। फोर्थ वन, कली में, हवा में, झरने में, नदी में, पल में, दिन में, युग में, सदी में, से क्या अभिप्राय है? कली में, हवा में, झरने में, नदी में, पल में, दिन में, युग में, सदी में भी कौन है? ईश्वर है। ईश्वर मतलब यह है कि प्रकृति के कण कण में ईश्वर समाया।
Okay. I'm only now, for questions. Only this. Kavita is very simple now. Only this. Our notes finished. Can you show the second question? You will send the notes. Okay. Yeah, I will send. Second question will send. Yeah, that's fine. Thank you. Second question mein doubt hai. The second question meaning is, aapne inhe Ishwar ki aaradhana ke liye, aapne hum people ne Ishwar ko kya Ishwar ko wo prayer karne ke liye, Ishwar ki aaradhana ke liye, hume kya kya banayi hai? Aapne inhe Ishwar ki aaradhana ke liye girijagar maane मंदिर टेम्पल और मस्जिद माने मोस्क बनाई है माने मेड 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 देन नेक्स्ट लाइन लेकिन ईश्वर वहां तक सीमित नहीं है प्लीज से द मीनिंग बच्चों लेकिन ईश्वर वहां तक गॉड इज नॉट ओनली लिमिटेड टू देयर हां मींस हमारा गॉड हमारा ईश्वर वहां लिमिटेड नहीं है कहां वो टेंपल चर्च में लिमिटेड नहीं है ईश्वर सर्वव्यापी है ईश्वर क्या है सर्वव्यापी हां एवरीवेयर है सर्वव्यापी मींस एवरीवेयर ईच एंड एवरी कॉर्नर में Each and everything's main कौन है ईश्वर है तो सर्वव्यापी means everywhere है हमारा ईश्वर so this is the second question बच्चों एक बार करना चाहिए वरी करना चाहिए after that second third and fourth one लिखना चाहिए okay one check Nakul can you read better first question this one others please mute your audio आपने अनुसार आपके अनुसार आपके अनुसार प्रकृति के इन सब की रचना कैसे हुई उत्तर प्रकृति की इन सब की रचना ईश्वर ने की है सेकंड क्वेश्चन आयन सेकंड वन आपने इधर की आराधना के लिए कौन कौन सी जगह बनाए क्या ईश्वर के तक वही तक सीमित है सीमित है शब्दों में लिखिए आंसर ईश्वर के आराधना के लिए गिरिजा घर मंदिर और मस्जिद बनाई है लेकिन ईश्वर वहाँ तक सीमित नहीं है ईश्वर वहाँ तक सीमित नहीं है ईश्वर सर्वव्यापी है सर्वव्यापी है ओके आई थिंक सेकंड क्वेश्चन इज क्लियर फर्स्ट वन देखिए मिस ज़ियादा नानन फर्स्ट क्वेश्चन आपके अनुसार प्रकृति की इन सब की रचना कैसी हुई आपके अनुसार इन योर आंसर प्रकृति हमारा नेचर हमारा वर्ल्ड की रचना कैसे हुई हु मेड दिस ऑल दिस थिंग्स ईश्वर हमारा वर्ल्ड हमारा ये प्रकृति नेचर ये किसने बनाई है ईश्वर ने ओके प्रकृति की इन सब की रचना ईश्वर ने की ओके ओनली दैट सिंपल ओके आई थिंक वी कैन मूव टू थर्ड दिस चैप्टर इज वेरी सिंपल Third question, Bachu. Gauri, third question is the answer. ईश्वर का दर्शन कब मिलते हैं मन की आंखों से मन में ढूंढे तो ईश्वर का दर्शन मिलते हैं Yes. Now it's all by heart, okay? मन की आंखों से मन में ढूंढे तो ईश्वर का दर्शन हमको मिलते हैं Thank you so much, Gauri. Move to fourth question, Dev. Day 1 minute others please mute your audio
some disturbance. Okay, Dev, start. Question भी read करना चाहिए. Okay, Dev. कली मैम हवा मैम ईश ईशरने मैम चरने मैम नदी मैम फल मैम पल मैम फल मैम दिन मैम युग मैम सदी सदी मैम से क्या क्या अभिप्राय अभिप्राय है आंसर कली में हवा में चरने में नदी में फल में दिन में युग में सदी में ईश्वर है मतलब यह है कि प्रकृति के कारण कण में ईश्वर समाया है थैंक यू देव ईश्वर का दर्शन कब मिलते हैं ईश्वर का दर्शन कब मिलते हैं मन की आंखों से मंदिर ढूंढे तो ईश्वर का दर्शन मिलते हैं मन की आंखों से मन में देखे तो या ढूंढे तो ईश्वर का दर्शन मिलते हैं तो वह टू लाइन्स का क्या मीनिंग है सदी में हवा में दिन में पल में का मीनिंग क्या है ईश्वर है हमारे प्रकृति के हमारे प्रकृति और सबकी समाया है समाया है प्रकृति की और सबकी रचना किसने की है ईश्वर ने की है देन आम मनुष्य ने हम आदमी ने ईश्वर की आराधना के लिए क्या क्या बनाई है गिरिजाघर मंदिर और मस्जिद गिरिजाघर मंदिर और मस्जिद बनाई है हमें ईश्वर की आराधना से ओके देन आई विल आस्क ऑल ऑफ यू म्यूचुअल ऑडियंस इट बच्चों ओके प्रकृति की इन सब की रचना किसने की है फ्रेंड आमी आमी किसने की है ईश्वर 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 है ओके ईश्वर की आया ईश्वर की आराधना के लिए थैंक यू फ्रेंड थैंक यू आराधना के लिए आदमी ने कौन कौन सी जगहें बनाई है इजा कौन कौन सी जगहें बनाई है अनम्यूट करो बेटा ईश्वर की आराधना मैम कैन यू रिपीट द क्वेश्चन या श्योर हम मनुष्य हम आदमी ने ईश्वर की आराधना के लिए कौन कौन सी जगहें बनाई है ईश्वर की आदमी बनाई के लिए हम गिरिजाघर मंदिर और मस्जिद से मस्जिद बनाई है आराधना के लिए मंदिर मस्जिद और लक्ष्मी मित्र ऑडियंस थैंक यू सर तो मंदिर मस्जिद और गिरिजाघर बनाई है ओके लेकिन हमारा ईश्वर वहां तक सीमित है ये मंदिर मस्जिद सुरजा ये हमारे ईश्वर वहां तक सीमित है ये गिरिजाघर मंदिर नहीं है हमारा ईश्वर वहां तक सीमित नहीं है ईश्वर सर्वव्यापी है यस ईश्वर सर्वव्यापी है वेरी गुड देन हम ईश्वर का दर्शन कहाँ से मिलते हैं और ईश्वर को कब हम दर्शाए हैं कार्लिन ईश्वर का दर्शन के लिए क्या करना चाहिए मन के आंखों से और मन के टूटे में ईश्वर मन में ढूंढे तो ईश्वर का दर्शन मिलते हैं थैंक यू डियर कार्लिन देन एक और क्वेश्चन हमने देखा ना शेन क्या है हमारा यस लक्ष्मी यस मैम आई एम जॉइनिंग ऑन द डिवाइस मैम व्हिच क्वेश्चन हाँ यस शेन हमारे हवा में पल में दिन में से क्या अभिप्राय है वो टू लाइंस का क्या अभिप्राय है हवा में पल में दिन में मैम यहाँ ईश्वर है ईश्वर समाया है मतलब यह है कि प्रकृति के कण कण में ईश्वर समाया है ओके वेरी गुड डियर सो ओनली दिस मच हमारा चैप्टर ओवर ओके वेरी इजी राइट वेरी इजी पहले क्या करना चाहिए वो शब्दार्थ देखना चाहिए विलोम शब्द देखना चाहिए Then the third question is your choice. What विशेषण
ये चॉइस है ओके यू कैन एनी वर्ड यू कैन देन आफ्टर दैट हमने वो ऑर्डर के रूप में वो पद्य सदी दिन एंड ओके देन आफ्टर दैट फूलों के नाम क्वेश्चन आंसर ओके अच्छी तरह देखना चाहिए बच्चों नाउ आपके पास एक राफ बुक होना चाहिए टू क्वेश्चन लिखना चाहिए टू क्वेश्चन फर्स्ट वन द सेकेंड क्वेश्चन क्वेश्चन वन टाइम आंसर ऑल्सो वन टाइम सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट वन नो नी सेकेंड वन इनाफ सेकेंड वन मैम हाउ मच टाइम वन टाइम इनाफ वन टाइम इनाफ सेकेंड क्वेश्चन है इसका आंसर वन टाइम Ma'am, second one also? Second one, only second one. First one only. Second one, question one time, answer also one time. First one only. First one very easy. Ma'am, you have to test. No, 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 no. Simply write and study. Okay, write and study. Try to improve your vocabulary, okay, Abhishek? Hama, bahut sare words we are getting na. So, man mein rakhi, these words and all. See me, Aradhana, then Panai. Ma'am, only first question? Second question, only second question. Only second question, we have to write? Yeah. I'm done. Okay. Done, ma'am. Okay, study it. Ma'am, that word is sarvavyapi, right? Sarvavyapi. Sarvavyapi. Means everywhere, every corner ne hai. Sarva. Means every. Vyapi, okay. Vyapi means spreading. Actually, vyapi. Everywhere. Means Ishwar everywhere. Amare kavita ka theme also the same. Kya hai Ishwar? हर एक कॉर्नर में ईश्वर का प्रेजेंस फिनिश्ड मैम वन मोर मिनट फोर सेकंड क्वेश्चन बचो Over. Second one over. Yes, ma'am. No, ma'am. No. Last. Yes, ma'am. Right. Ishwar, Shah, half, wow also we can write, okay? If you want, you can write Shah, half, wow. Otherwise, this is a type of Ishwar. Otherwise. Ma'am, I'm writing literally. Shah, half, wow. And that's enough. E, Shah, half, wow, then Ur. Issue.
दिया या जो वो दिया दिया क्या नहीं अभी Okay, now we can move to the third question. Over, right? One minute. Ah, okay. Ayan is over, Ayan. Ma'am, I don't have a book. Last class also I told na, Ayan. Hindi class mein at least one paper or pen enough. Paper and pencil enough. Rough book and all no need. Ma'am, I am in my basis. That is my rough book. Ayan, next class don't say this, okay? Amma house is one problem. One paper and one pen or pencil enough. Okay? Hindi class mein, aapke paas hona chahiye. One paper enough. Right. ओवर बच्चों हैसा यस ओवर हैसा ओके मैम ओके एवरीवन ओवर प्रजिता ओवर यस मैम ओके थर्ड वन ईश्वर का दर्शन कब वेरी इंपॉर्टेंट है ईश्वर का दर्शन कब मिलता है क्वेश्चन वन से आंसर ऑल्सो वन से मन की आंखों से मन में झूठे तो ईश्वर का दर्शन मिलता है मन में झूठे तो या मन में देखे तो बहुत अर्थ है मन की आंखों से मन में झूठे तो ईश्वर का दर्शन मिलता है थर्ड बाजा और बाजा यस मैम ओके निहान यूज ओवर निहान निहान इज राइटिंग नाइजल देव दिया वही वीडियो सो टर्न ऑन योर वीडियो I'm into under second. The have a daughter. Our dot is there. Ma'am, third question all right. We have tried. Third. Dot is there. Uma, why you it is off? Because of any connectivity issues? Journal. Yes, ma'am. My audio and video is getting stuck. Third question. Okay, Uma. Third question. One time. थर्ड क्वेश्चन एंड इसके आंसर वन टाइम ये फिनिश करने के बाद फोर्थ क्वेश्चन शुरू करना चाहिए इफ यू फिनिश थर्ड वन स्टार्ट फोर्थ क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ Ebin, Srihari, why video is off? Afridi, Wazim, Anna, turn on. Third one, if you finish, study it, okay? Fourth question bhi likhna chahiye. Very easy.
Why Miss Yada and Anand together today? Today what happened, Anand? Anand is in Miss Yada's house. Ma'am, they have audio issue. Ah, okay, okay. Anand and Miss Yada are siblings. I didn't know that. Cousins. Okay, Anand. Simply ask. One more minute, Macho. Time. ओके बच्चों टाइम अप तो क्या करना चाहिए इट्स ओके नॉट फिनिश्ड इट्स ओके नो प्रॉब्लम सो वी सेंड द नोट्स यस इट्स ओके आई मीन यू विल सेंड द नोट्स आई विल सेंड वेल टुडे और टुमारो आई विल सेंड टुडे फुल डे क्लास इज टुडे और टुमारो टुडे नाइट और टुमारो आई विल सेंड ओके ओके मैम देन ओके द हमारा वो कविता अच्छी तरह रीड करो ओके द नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर Okay, next class में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए. See you all, bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.